let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. I must tell you, he's no papu. He's highly educated. बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना दुश्मन देश की तारीफ करना ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 डेली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर है। वो रविवार को अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। यहां उन्होंने दो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान की वजह से अब हंगामा हो गया है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में सब मेड इन चाइना है, क्योंकि चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसीलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है जो कि भारत में है। लेट्स बी क्लियर, नॉट एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ओके, द वेस्ट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंडिया हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बट देयर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट डोंट रियली हैव एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. राहुल के इतना कहने भर की देर थी कि देश की राजनीति में एक बार फिर गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन की कथित तरफदारी करने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी चीन के लिए लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और उन्हें भारत का अपमान करने में मजा आने लगा है। राहुल गांधी वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया, वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर जाकर भारत को गाली देना ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना दुश्मन देश की तारीफ करना ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस वक्त भारत देश में नफरत की राजनीति का माहौल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं साथ ही सैम पित्रोदा ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर हामी मिलाई है और साथ ही राहुल गांधी को पप्पू कहने वालों को करारा जवाब भी दिया है। राहुल गांधी एजेंडा इज टू रियली एड्रेस सम ऑफ दिस लार्जर इश्यूज। ही हैज अ विजन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट बीजेपी प्रमोट्स बाय स्पेंडिंग करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज। आई मस्ट टेल यू, ही इज नो पप्पू, ही इज हाईली एजुकेटेड, he is well read, he is a strategist with deep thinking on any subject। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।